नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 26 अक्टूबर 2021 की मूलांक नंबर 1 जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 1। आज बिजनेस में प्रॉफिट के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। बेरोजगार लोगों के लिए आज का दिन कोई अच्छी खबर लेके आ सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 2। आज ऑफिस में और वर्कलोड ज्यादा रहने से सर दर्द रहेगा, हेल्थ पर भी जिसका असर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स अपना टाइम बेकार के कार्यों में वेस्ट ना करें। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आज रैश ड्राइविंग से बचें, और कुछ समस्या लगे तो चावलों का दान मंदिर में कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 3 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 3। आज हर काम में थोड़े से एफर्ट से भी ज्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके बिजनेस में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में विचार भी किया जा सकता है। केसर का तिलक लगाइए, आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 4। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का दिन उत्तम है। बिजनेस में भी कुछ नए आइडिया बेनिफिशियल दे सकते हैं। पुराने और नए दोनों मेथडों के बीच आज कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। यदि कुछ समस्या लगे तो काली उड़द की दाल जल में प्रवाह कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 5। आज किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। बिजनेस में कुछ नए प्लान भी बन सकते हैं। ऑफिस के कामों में देरी कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर सकती है। यदि कुछ समस्या लगे तो शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 6। बेकार के खर्चों पर आज कंट्रोल करेंगे जिससे आपकी सेविंग बढ़ेगी। ऑफिस के इंपॉर्टेंट कार्यों में आज आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। और मैरिड लाइफ अच्छी रखने के लिए जीवन साथी के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और प्रेम भी बढ़ेगा। यदि कुछ समस्या लगे तो सरसों के तेल में छाया दर्शन करके मंदिर में दान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 7। घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी जिनको पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, छोटी मोटी परेशानी होने की संभावना बनती है। किसी लोहे के औजार से आज चोट लग सकती है, सावधानी रखें। यदि कुछ परेशानी लगे तो काले सफेद तिल मंदिर में दान कीजिए या जल प्रवाह कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 8। आज का दिन मूलांक 8 वालों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। आप धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने सारे कार्य पूरे कर लेंगे। आज भावनाओं को एक तरफ करके कुछ मैच्योर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में आज गेन होने की संभावना है। यदि कुछ परेशानी लगे तो शनि चालीसा का पाठ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 9। आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। बिजनेस से जुड़ी छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। आज बेकार के लड़ाई झगड़े से बचें। यदि कुछ समस्या लगे तो शनि मंदिर में जाके शनि चालीसे का पाठ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज हमने बात करी 26 अक्टूबर के राशिफल की। कल मिलते हैं 27 अक्टूबर के साथ। नमस्कार।